The total magnification produced by a compound microscope is 20. The magnification produced by the eyepiece is 5. The microscope is focused on a certain object. The distance between the objective and eyepiece is observed to be 14 cm. If the least distance of distinct vision is 20 cm, calculate the focal length of objective and eyepiece. टोटल मैग्निफिकेशन कितना गिवन है आपको 20. तो एम ई कितना गिवन है 5. एम इक्वल्स एम ओ इंटू एम ई. तो यहां से आपका एम ओ निकल कर आया 4. ठीक है, ये दो कंक्लूजन आ गए आपके. उसके बाद आपको लेंथ क्या दिया हुआ है, एलडीडी भी गिवन है. फाइनल इमेज इज एट LDDV और यानी कि आपकी VE आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, VE गिवन है 20 सेंटीमीटर. क्या तो माइनस तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है ना कि वो फाइनल इमेज इन्वर्टेड है. फाइनल इमेज बन गई आपकी कहाँ 20 सेंटीमीटर पर. अब इसके बाद और क्या गिवन है आपको बताना. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है, हाँ जी देखो एमओ तो है ही आपके पास. एमओ इक्वल्स वीओ अपॉन यूओ, ये तो आपको 4 गिवन है ही. ठीक है, अब आपकी एमई हो गई आपकी 4. तो एमई कितना होता है, अच्छा एमई 5 है. एमई 5 है, एमई होता है बोलो VE अपॉन UE. लेकिन ये माइनस में हुआ करता है, नहीं प्लस में होता है, राइट, लेंस के लिए प्लस में होता है. ठीक है, और VE आपको कितना गिवन है 20. तो UE आप फाइंड कर लोगे. UE कितना बना आपका बोलिए -4 सेंटीमीटर. ओके, अब UE और VE से आप फाइंड कर लीजिए क्या FE. हाँ जी अभी समझाऊंगा आपको. हाँ ठीक है, तो 1/FE इक्वल्स 1/VE माइनस 1/UE. FE नहीं पता हमें, VE कितना है बताओ -20 और UE कितना है -4. तो कितना बचा -1/20 +1/4. और इससे FE कितना निकल कर आएगा, FE आ गया यहाँ +5. अब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए. मैग्नीफाइंग पावर -VO अपॉन UO इंटू 1 +D अपॉन FE. ओके, और -VO अपॉन UO आपका क्या है MO है. सिंपली ये तो 4 हो गया. 1 + D आपको गिवन है 20 और FE कितना फाइंड कर लिया 5. तो -4 1 + 4 और ये कितना आएगा आपका, अच्छा ये तो गिवन है ऑलरेडी. तो एक तो FE निकालना आपको और एक FO निकालना है. L आपको गिवन है VO प्लस UE. L आपको 14 गिवन है, तो VO और UE कितना निकाल लिया बताओ, UE आपका 4 है. तो VO बन गया कितना 10. करेक्ट, MO है आपके पास 4. MO कितना है VO बाय UO इक्वल्स 4. VO कितना है 10 फाइंड कर लिया आपने. हाँ जी M इक्वल्स ये निकल कर आया आपका. तो अब आपका UO कितना बनेगा बोलो -10/4 -2.5. ठीक है, अब वीओ आपके पास हो ही गया 10। फॉर्मूला लगाइए एफओ इक्वल्स 1/VO माइनस 1/UO, क्या 2 आ गया। ठीक है, वीओ कितना है प्लस 10 माइनस 2.5 और इससे एफओ कितना आ गया प्लस 2 सेंटीमीटर। एफओ और एफई फाइंड करना था, एफई आ गया आपके पास प्लस 5 और एफओ आ गया कितना प्लस 2। यहां से भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है एफई इज लार्जर देन एफओ। ठीक है, कर लो जल्दी से।